राधे दोस्तों, माधो किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए पनीर की बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये पनीर होममेड पनीर है जो घर में मैंने बनाया है, और मसालेदार पनीर है। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से घर में बनाया है 1.5 लीटर दूध से, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी भी बनाई है, जिसको आप आगे पूरा वीडियो देखेंगे, बस छोड़िएगा मत, पूरा बराबर वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि मैंने ये होममेड मसालेदार पनीर घर में कैसे बनाया है और उसको मैंने ग्रेवी कैसे बनाई है, जो मेरी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसके आगे रेस्टोरेंट भी फेल है। तो आइए मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि ये मैंने जो होममेड मसाला पनीर बनाया है कैसे बनाया है। तो आइए आगे वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। अब इस दूध को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको फाड़ना चालू करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने पनीर को मसालेदार बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे जीरा। जीरे के साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनिया और हरी मिर्ची काट ली है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे हम डाल रहे हैं गाजर। अगर आप कुछ और भी शिमला मिर्च वगैरह डालनी हो तो आप डाल सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है मसालेदार पनीर का। इसको डालने के बाद ही यहाँ पे हम डालेंगे नींबू का रस। अगर आपके पास वेनिला एसिड वगैरह हो तो आप उससे भी डाल के अपने दूध को अच्छी तरीके से फाड़ सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, पूरा एकदम से नहीं डालूँगी। उसके बाद फिर ये दूध जो है ना अपने आप ही अच्छा सा फट जाएगा। तो इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे ना, तो दूध अच्छी जो नींबू का रस है ना पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, और हमारा जो ये दूध है ना वो फट जाएगा, और बढ़िया सा हमारी मसालेदार जो पनीर है वो बनके तैयार हो जाएगी। यही मैं अपने पनीर को थोड़ा सा कलर देने के लिए हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, और साथ में ही थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल देते हैं हम नमक। इन सब चीज़ों से हमारी जो पनीर का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा सा होगा, और मतलब एक बढ़िया सी मसालेदार हमारी पनीर बनके तैयार होगी। देखिए लमसम हमारी जो पनीर है ना वो फट चुकी है। इसको थोड़ा सा और चलाएंगे, जो थोड़ा बहुत होगा वो भी अच्छी तरीके से हमारी पनीर फट के तैयार हो जाएगी। जब तक यहाँ पे पनीर हमारा थोड़ी देर ठंडा होता है, तब तक अपने ग्रेवी का जो सामान है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए 2 टमाटर, प्याज और थोड़ा सा अदरक और लहसुन ले लिया है, और यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेके बढ़िया सा थिक सी अपनी जो ग्रेवी तैयार कर लूँगी। इनको मैं जल्दी से वॉश करके मिक्सी में इसको मैं पीस के एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू है, बादाम है, और यहाँ पे 2-4 ही मैंने ये मखाने ले लिए, ये भोग के मखाने रखे हुए थे तो मैंने कहा उसको भी मैं सब्जी में डाल दी थी। तो आइए इनको हम जल्दी से पीस लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो सारा पानी है ना एक छलनी में हम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम अपना एक कपड़े में पनीर को अच्छी तरीके से हम निचोड़ेंगे। यहाँ पे एक बार हम अपने पनीर को साफ पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे ये जो उसमें खट्टापन होगा ना वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। अब इसको हम एक कपड़े में बांध के 10 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि जो भी पानी होगा वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। और जो पनीर का पानी बचा है ना ये बहुत हेल्दी पानी होता है, इसको आप फेंकिएगा नहीं, या तो इसको चावल में डाल लीजिएगा या फिर इससे आप अपना आटा वगैरह गूंद लीजिएगा। तो आइए जल्दी से इसको हम कपड़े में रख के इसको बढ़िया सा एक शेप देते हैं। मैंने इस तरीके से पनीर के ऊपर एक भारी सा ये अपना खल्लड़ जो है रख दिया, जिससे कि जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा और अच्छी तरीके से हमारा एक पनीर में शेप आ जाएगी। जब इसको हमें 10 मिनट ही रखना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, बस बढ़िया सा हमारा पनीर मसालेदार पनीर जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। जब तक हमारा पनीर तैयार होता है तब तक हम अपना जो ग्रेवी है वो तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले हींग और जीरा डाला है, मतलब हींग और जीरे से बहुत ही अच्छा सा ही टेस्ट भी आता है, और मतलब फ्लेवर भी अच्छा ही होता है, और हींग तो वैसे भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे हमारा हींग और जीरा अच्छी तरीके से चटक गया है। यहाँ पे हम डालते हैं तेज पत्ता, और तेज पत्ते के साथ ही जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची और ड्राई फ्रूट्स का जो पेस्ट बनाया था उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
जब भी पेस्ट वगैरह आप लोग डाला करें ना, तो गैस को थोड़ा सा धीमे कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर तेज तेल गर्म होता है, गैस भी हाई होती है, तो जो भी मसाला डालते हैं ना, वो फटाफट से छटकने सा लगता है। देखिए देखिए इस तरीके से होने लगता है, तो ये हमारे ऊपर आ जाता है। तो थोड़ा सा सावधानी से ही हमको मसाले को अपनी कढ़ाई में डालना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी मसालेदार जो पनीर है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसको अच्छी तरीके से कट करके रख लिया और कितनी स्पंजी सी बनी है, ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ही बढ़िया सी हमारी पनीर बनके मसाले वाली तैयार हो गई। और जब तक यहाँ पे हमारा जो ग्रेवी है वो भी बनकर तैयार हो गया है, इतना थिक है, ज़रा दो चार काजू और बादाम से ही इतना बढ़िया थिक सा हमारा ग्रेवी तैयार हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और थोड़ी सी ही हम डाल देते हैं यहाँ पे नमक, क्योंकि पनीर में हमने नमक डाला हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि नमक तो ऐसा है अगर कम होगा तो और पड़ जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो निकालना मुश्किल है, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा ही आप इसमें अपना अंदाजे से मतलब नमक डाल लीजिए, उसके बाद हम ज़रूरत होगी तो बाद में ले लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम जल्दी से अपना पनीर को फ्राई भी कर लेते हैं। आप लोग जब भी मेरी वीडियोस देखती होंगी तो आप देखती होंगी कि मैं मसाले का जो यूज़ है वो कम करती हूँ, बस हल्दी धनिया और अगर पैसा होता है तो मतलब मिर्ची ले लेते हैं, अदरक वगैरह ये सब पीस के ले लेते हैं, और गरम मसाले में भी मैं थोड़ा लौंग और काली मिर्च ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा गरम मसाला मैं कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ ना, जो खा रही हूँ वही मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा आजकल लोग वैसे भी कम स्पाइसी पसंद करते हैं, इसलिए हल्का ही अगर आप मसाला वगैरह लें तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है। आगे मैं एक बात और कहूँगी कि जो लोग मेरा वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो बस लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। अब यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है ना, अच्छी सी थिक हो गई। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा मतलब जितनी आपको खाना हो उस हिसाब से आप अपनी ग्रेवी को बना लीजिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक गिलास के बराबर पानी डाल के इसको अपने मतलब खाने के जैसा बच्चे खाते हैं उस तरीके का हम तैयार कर लेते हैं। अब मैंने इतना अपना ग्रेवी बना लिया है। अगर आपको रोटी खानी है तो थोड़ी सी थिक कर लीजिए, और अगर राइस वगैरह लेने हैं तो इतनी ग्रेवी हमारी काफ़ी है। तो इसको हम जैसे ही हमारी ग्रेवी खटक जाएगी वैसे ही हम यहाँ पे अपने पनीर को डाल देंगे। एक तरफ मैंने कस्तूरी मेथी को यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लिया, मतलब फ्राई क्या, थोड़ा सा गर्म कर लिया, क्योंकि ये रखे रखे मॉइस्चर आ जाता है ना, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मसलता नहीं है। अभी थोड़ा सा गर्म हो जाएगी पत्ती तो इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो ये अच्छी तरीके से मसल जाएगी, और इसको हम अपनी सब्जी में डाल के इससे और भी बढ़िया सा टेस्ट हमारी पनीर की सब्जी में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी को हाथों से मसल लिया था, अब इसको हम अपनी ग्रेवी में डाल देते हैं और भी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा हमारी ग्रेवी में। इस तरीके से करके इसको 5 मिनट और हम बस पकाएंगे, हमारी पनीर की मसालेदार जो रेसिपी है ना बनके तैयार हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे पनीर को जो है ना अच्छा सा फ्राई होने के लिए तेल में रख दिया। जब भी आप पनीर को फ्राई करें ना, तो फ्लेम जो है गैस की हाई रखिएगा, क्योंकि अगर हाई नहीं रखेंगे ना तो ये पनीर का पानी छोड़ देगा, जिससे कि तेल में पानी पानी हो जाएगा और पनीर जो है आपका अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अब हमारी ग्रेवी तैयार हो गई, और यहाँ पे हमने अपना फ्राई किया हुआ जो पनीर है उसको भी हमने डाल दिया है। बाकी का भी फ्राई किया हुआ पनीर है सब इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा, हमारी जो पनीर की मसाला पनीर की जो सब्ज़ी है बनके तैयार हो गई है, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पनीर की सब्ज़ी मसाला पनीर की सब्ज़ी कैसी लगी। तो सब्ज़ी तैयार है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राधे राधे।